हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ और आज एक और जर्नी के साथ आ चुका हूँ। पीछे खड़ी है चेतक एक्सप्रेस, जिस ट्रेन का नंबर है 20474। ये जाएगी उदयपुर से दिल्ली सरायरोला और हमारी जर्नी होने वाली है उदयपुर से लेके अजमेर तक। तो मेरी सिटिंग जो है, मतलब जो सीट है वो है सेकेंड टू टायर में, दिख रहा है आपको? एक सीट टू टायर, तो इसमें सिटिंग है। इसका फेयर मेरे को पड़ा 915 रुपीज़। तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। जर्नी मैं इसमें पहले भी कर चुका हूँ, बट मैंने थर्ड एसी में करी थी, तो इस बार की जो जर्नी है वो मेरी होगी सेकंड एसी में। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा ट्रैवल रहता है। और इससे पहले तो मैंने अंधेरे में ही जर्नी की, रात को इतना शूट नहीं हो पाता, तो अब की बार मॉर्निंग का टाइम है, तो देखते हैं कैसा रहता है। बैकपैक मैं रख चुका हूँ और चलते हैं ट्रेन में, और जुड़े रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। और सेकंड एसी के साथ मेरा बड़ा ही बुरा सा नाता है, क्योंकि मेरे को हर बार अपर सीट मिल जाती है, तो इस बार मेरी बर्थ है ये 38 नंबर अपर सीट है, और अभी तक ट्रेन में कोई नहीं आया है, ना इधर वाली सीट में, ना इधर वाली सीट में। आगे भी बहुत ही मिनिमम लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग। तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी, चलते हैं आगे। अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी ट्रेन, 5 बजे का टाइम है, वो भी दिखाऊंगा आपको कब निकलती है हमारी ट्रेन। और उसी के साथ टाइम हो चुका है पूरे 5 और हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उदयपुर सिटी के। देखते हैं कितने स्टेशन आते हैं, क्या क्या रहता है एंट्री कार्ड वगैरह का। सीट पे तो अभी कोई नहीं आया मेरे सिवा, मैं ही अकेला हूँ। अभी देखते हैं अगला स्टेशन कितनी दूर है और रेस्ट करते हैं। तब तक आप देखिए उदयपुर सिटी का स्टेशन। के साथ बाय बाय उदयपुर, चलते हैं हम अजमेर की तरफ। ट्रेन चल चुकी है हमारी एकदम टाइम पे, हम आके बैठ गए अपनी सीट पे, और देखते हैं अब एंट्री कार्ड से क्या सर्विस आती है, क्या क्या मिलता है, चाय वगैरह मिलती है या नहीं, चलते हैं। और ट्रेन के चलते ही 7 मिनट बाद ये स्टॉपेज आया था राणा प्रताप नगर, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था, कुछ पैसेंजर्स आए मेरी सीट पे तो आ गए सारे, तो वहाँ से निकली है ट्रेन, बस 2 मिनट रुकी है और बस उसके बाद जो है साफ सुथरा स्टेशन है, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म है, एक ही दिख रहा फिलहाल तो। और ये एक और स्टेशन आया, और यहाँ पे 2 मिनट रुकी है गाड़ी, उसके बाद निकल गई है, और इस स्टेशन का नाम है फतेह नगर। ये देखिए दो मिनट में निकल गई है यहाँ से गाड़ी। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार है, सैंडविच बिरयानी चाय अभी तो आ रही है, मतलब बिरयानी, बाकी देखते हैं और क्या क्या मिलता है, अभी तो मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया अभी। 3 स्टेशन निकल गए हैं जिसमें 2 मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन इंटरनेट के हॉल्ट वाली ये स्टेशन है, अभी कोई बड़ा स्टेशन आएगा चित्तौड़गढ़ आएगा तो फिर वहाँ उतरूँगा आराम से, शूट करूँगा, 5 मिनट का हॉल्ट है वहाँ पे।
डूबती हुई शाम के कुछ नज़ारे। देखिए चेतक एक्सप्रेस से। स्टेशन आया चित्तौड़गढ़। यहाँ आने का तो मन है बट अभी तक आ नहीं पाए। टाइम हो चुका है 6:46 और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है चित्तौड़गढ़ और 5 मिनट का हॉल्ट है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और चित्तौड़गढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई है 6:46 पे। पीछे लगी हुई है मेरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बता चुका हूँ मैं आपको। और ये ट्रेन अपने टाइम से 2 मिनट पहले चित्तौड़गढ़ पहुँच चुकी है। ठंडा हो गया भाई, क्या बात है। चल छोड़ो, तो टाइम से चल रही है ट्रेन। खाना खाने का पूछने आई थी तो पेंट्री कार है और सारी चीज़ें आ रही है, सैंडविच बिरयानी चाय सब कुछ आ रहा है। और खाने का ऑर्डर लेने वो अभी आ गया था, बहुत जल्दी है बट आ गया अभी, तो खाना 8 बजे तक सर्व हो जाएगा, मैंने उससे पूछा। और वेज थाली मिल रही है, सिर्फ उसका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 130 रुपीज़, जबकि 90 रुपीज़ की आती है वेज थाली। बट कोई नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा जैसे भी मैनेजेबल हो आपसे। तो चित्तौड़गढ़ में 5 मिनट का हॉल्ट है, ओके 5 मिनट का हॉल्ट है, तो अब कर ली आप लोगों से बात, अब चलते हैं ट्रेन में और आगे की जर्नी ऐसे करते रहते हैं। अगला स्टॉप है 8 बजे के करीब, तो वहाँ मिलेंगे फिर, उसके बाद सीधा आ जाएंगे। ओके स्टेडियम चित्तौड़गढ़ के स्पेशल पकौड़े। 5 मिनट की देरी से अगले स्टॉपेज बिलवारा में पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एसी वेसी सारी चीज़ें अवेलेबल है, पेट्रोल वगैरह सब कुछ, बैटरी कार है, चाय कंटिन्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन 5 मिनट की देरी से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का, चेतक का। मैं दूसरी तीसरी बार इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यही सजेस्ट करूँगा आप लोग भी इस पर ट्रैवल कीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेन है। दिल्ली से उदयपुर कनेक्ट करती है, बीकानेर से दिल्ली आती है, तो कर सकते हैं आप लोग इस ट्रेन को। दोबारा से अब 5 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकलेगी, अब मैं सोऊंगा और 1.5 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे अजमेर, मिलते हैं अजमेर जंक्शन पे। अब आ गया हूँ वॉशरूम का नज़ारा दिखाने आपको, जो कि क्लीन है। ये रहा मिरर, ये रहा श्रिंक, इसमें है सोप, सोप डिस्पेंसर है, ये यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए जगह, ये फैन दे रखा है, क्लीन है वॉशरूम, बढ़िया है सब कुछ। यहाँ पे अपना शैम्पू साबुन वगैरह रखो शक में, अगर आप शावर लेते हैं तो। ये रहा फ्लश जो कि काम कर रहा है, तो वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है सेकेंड ए सी के हिसाब से। अब बाहर चलते हैं, बाहर का आपको शिंक दिखाता हूँ। ये है शिंक, ठीक है, साफ है, पटिया सोप अवेलेबल नहीं है, गार्बेज लगा हुआ है। और बिलवारा से निकल चुकी है हमारी ट्रेन, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। मैं चलता हूँ सीट पे और अपनी जर्नी पूरी करता हूँ। तो ये हम पहुँच गए हैं अजमेर जंक्शन पे, ट्रेन नंबर 20747 के साथ। अपने टाइम से 10 मिनट पहले इसने मेरे को पहुंचा दिया, इसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। बहुत अच्छी जर्नी रही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े और वीडियोस देखते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।